ब्रह्मास्त्र मूवी का आज नौवा दिन है। क्या रहे इसके कलेक्शन, क्या ये मूवी हिट रही या फिर फ्लॉप, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। अगर बात करें ब्रह्मास्त्र की तो इसने अपने फर्स्ट वीक में 156 करोड़ की कमाई की है। ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 175 करोड़ का है और इसके आठवें दिन मूवी ने 10 करोड़ की कलेक्शन की और नौवें दिन भी एस्टिमेट यही है कि 17 से 18 करोड़ कमा लेगी। और अगर टोटल बात करें तो ये अपने 9 दिनों में 200 करोड़ की कमाई कर लेगी और अगर ओवरसीज़ का भी मिला दिया जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये मूवी 300 करोड़ कमा चुकी है। अगर बात करें 3D में तो ये मूवी बहुत ज़्यादा चल रही है, 2D के मुकाबले लोग 3D में इसे ज़्यादा देखने जा रहे हैं। इसी कारण 3D की टिकट महंगी होने के कारण इस मूवी का कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें थिएटर्स की तो उसमें भी थिएटर्स में भी ये मूवी अभी नौवें दिन भी 20-30% ऑक्यूपेंसी बना के रखी हुई है काफ़ी सारी जगहों पे। ये पहली मूवी है जो इंडिया में 9000 स्क्रीन्स पे आई थी। इसका भी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हो रहा है जिस कारण इसके कलेक्शन और ज़्यादा बढ़े। और अभी जो सेकेंड सैटरडे है आज के दिन, इस वजह से इसका कलेक्शन बढ़ के आएगा 17 करोड़ के करीब और कल तो संडे है जिस कारण ये और भी ज़्यादा कमाई कर सकती है। देखना होगा कि ये मूवी कब तक अपनी कमाई को बरकरार रखती है और अच्छी खासी कमाई करती रहती है। क्या ये मूवी अपने बजट तक को रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं, और ये मूवी और कितने दिन कलेक्शन करेगी, ये सब आपको अपडेट मिलेगी इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।